लॉस्ट एन स्पेस के लास्ट एपिसोड्स में हमने देखा था कि कैसे रॉबिन्सन फैमिली जो कि इस स्पेस में गुम हो चुकी है और इतने लंबे सफर के बाद दो अननोन प्लेट पे रहने के बाद आखिरकार इन्हें रेजुलेट मिल चुका था और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर थर्ड की शुरुआत होती है रेजुलट पे पहुँचने से पहले मोरिन को एक सपना आता है की वो रात में सो रही है और अपने बच्चों को जब देखने के लिए आती है तो विल के कमरे के अंदर रोबोट था जो की उसे मारने वाला है और इसी के साथ में मोरिन की नींद खुल जाती है लेकिन इस टाइम तक सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे थे क्योंकि इनका जुपिटर रेजुलट से जाके कनेक्ट होने वाला था सबके पास अपने अपने क्वेश्चन हैं और मिलने के लिए काफी सारे लोग भी हैं कुछ ही देर के अंदर जुपिटर रेजुलट से कनेक्ट हो जाता है बच्चे तैयार होके बाहर निकलते हैं और बाकी लोग भी खुशी खुशी जुपिटर से जाने लगते हैं पीछे पीछे डॉन बेस्ट भी आता है लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी और वो चल भी पूरी तरीके से नहीं पा रहा था इसी कारण डॉन बेस्ट वही जुपिटर में रुकने के बारे में सोचता है यहाँ स्मिथ भी आती है क्यूँकी उसे भी बाहर जाना था लेकिन मोरिन स्मिथ को रेजुलट के ऑफिसर्स के हाथ कर देना चाहती थी क्योंकि स्मिथ ने भी बहुत बुरे बुरे काम कर रखे थे मोरिन कहती है की चाहे तुम कैसी भी हो लेकिन अंदर से तो तुम्हारा मन बुरा ही है जाने ऐसी पहले मोरिन स्मिथ का हाथ चेयर ऐसी बांध के चली जाती है जहाँ पे हमें स्मिथ के एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है की कैसे जब ये दोनों बहनें खेल रही थी तो जैसिका की गलती के कारण जून को डांट पड़ती है रॉबिन्सन फैमिली सैनिटाइज होके के के अंदर एंटर करती है लेकिन वहाँ पे इन्हें कोई भी नहीं मिलता रॉबिन्सन फैमिली को लगता है कि शायद इनके वेलकम के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए क्योंकि जुपिटर के आते ही रेजुलट को पता चल जाता है लेकिन फिर भी यहाँ कोई नहीं है ये लोग आगे पीछे ढूंढने लगते हैं तब भी इन्हें कोई नहीं मिलता स्मिथ को मोरिन लेकिन फिर भी स्मिथ ने अपना हाथ खोल लिया था अब जैसे कि वो एक चोर थी और इतने साल जेल में बिताए थे तो खोलना कौन सी बड़ी बात थी उसके लिए वो डॉन के पास आके बैठती और कहती की तो जा रही हूँ और मुझे तो कोई भी नहीं पकड़ सकता डॉन उसे रोकने की कोशिश करके भी क्या कर पाता ये सारे लोग मिलकर डाइनिंग हॉल की तरफ पहुँचते हैं लेकिन डाइनिंग हॉल का माहौल काफी खराब था सारी चीजें इधर उधर गिरी हुई थी खाना गिरा हुआ पड़ा था टीवी बंद थी और कोई बच्चा तक भी नहीं था तब यहाँ पे मोरिन विक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और इसी के साथ में रेजुल्यूट के बाकी कैप्टन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन रिप्लाई कोई नहीं करता तब इन लोगों को लगता है कि रेजुल्यूट हर चीज को रिकॉर्ड करती है तो जरूर लोगों के लॉग और लॉग आउट भी रिकॉर्ड हुए होंगे और साथ ही में यहाँ पे लास्ट क्या ऑर्डर दिए गए थे वो भी हमें पता चल जाएगा जब मॉरिन और जॉन ऐसे सिस्टम को ओपन करते हैं तो इन्हें पता चलता है की लास्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पे सात महीने पहले की है और पूरे रेजुलेट को ऑटो पायलट मोड पे डाल के छोड़ रखा है इसका मतलब यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ है इधर स्मित जुपिटर को छोड़ के रेजुलेट के लिए निकल जाती है और सबसे पहले वो अपनी बहन जैसिका हैरिस वाले कमरे में ही जाती है वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट और साथ में अपनी बहन की सिगरेट भी लेती है उस सिगरेट के बॉक्स से जून को वापस से कुछ पुरानी यादें आती है जहाँ पे वो जैसिका के सामने बैठी है और जैसिका उसे बिल पेमेंट के बारे में पूछती है तब जून कहती है की मैंने कुछ ई लिए थे लेकिन मैं उसे पे नहीं कर पाई तब जैसिका कहती है की ये सब काम तुमने क्यूँ नहीं किए तो जून कहती है की ये काम मॉम के थे और मॉम के बीमार होने के बाद मैं ये काम कर ही नहीं पाई क्या तुम मेरी वो ई पे कर सकती हो तब जैसिका को बहुत गुस्सा आता है जून की इन हरकतों पे और अब जब लोगों को उसे परेशान करना ही था इसी कारण जून ने खुद की आइडेंटिटी को बदलने के लिए और उसे कोई भी ना पकड़े इसीलिए उसने कुछ चीजें एक जगह जला दी थी चीजों के जलते ही पे फायर अलार्म स्टार्ट हो जाता है और हर दरवाजे एमरजेंसी के लिए बंद हो जाते हैं रॉबिन्सन पूरी फैमिली अलग हो जाती है एक साथ में मोरिन और जॉन थे पैनी और विल और जूडी अलग थी स्मिथ यहाँ पे अपना काम करना शुरू करती है वो सिस्टम के अंदर जाके जो असली डॉक्टर स्मिथ थे उनकी पिक्चर डिलीट कर देती है और अब खुद का नाम जून लगाने की बजाय जोई स्मिथ लिख देती है और साथ ही में खुद की प्रेजेंट पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर देती है और डॉक्टर में तो वो थेरेपिस्ट लिखती है यानी की अब जून पूरी तरीके ऐसी बदल चुकी थी जूडी अब रास्ता ढूंढने लगती है और अपने हाथ में पहनी हुई वॉच से मैप देखने लगती है कि शायद वो अपने फैमिली से वापस मिल सके लेकिन ऐसा बार बार लग रहा था कि मानो जूड़ी का कोई पीछा कर रहा है और तभी जूड़ी को एक छोटी सी बच्ची मिलती है जिसका नाम समैन्ता था इस पूरे रेजुलेट के अंदर सिर्फ वही बच्ची थी समयता बताती है की यहाँ कोई भी नहीं बच्चा है सब यहाँ ऐसी चले गए है इसका मतलब है की सबका हो गया है evaluation का मतलब था की रेजुलेट के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे जुपिटर में बैठ के इस रेजुलेट को छोड़ के चले गए हैं और पीछे अकेली रह गई ऐसा करने का रीजन ये था मॉन्स्टर्स ने पे फिर से अटैक किया डॉन अब अकेला बैठा बैठा बाहर तक आ गया था और उसे जुपिटर के एक हॉल के अंदर वही ब्रीफकेस दिखाई देता है जिसके अंदर रोबोट का हाथ रखा गया था डॉन जैसे ही उस ब्रीफकेस को ओपन करता है तभी वो हाथ डॉन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और डॉन उसे बंद कर देता है तब डॉन यहाँ पे मॉरिन से कॉन्टेक्ट करता है और बताता है की तुमने इस ब्रीफकेस में क्या बंद करके रखा था एटलीस्ट मुझे बता तो देते तब यहाँ पे मोरिन और जॉन डॉन बेस्ट को बताते हैं कि रेजुलेट में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे रेजुलेट में कोई भी नहीं है और सारी एंट्री सात महीने पहले की है तुम आखिर पर हो और हम सब लोग को देख के बता सकते हो क्या की हम लोग आपस में किस किस जगह पर यहाँ के माहौल को देख के बिल्कुल समझ में आया है की रेजुलेट के अंदर ये हाथ और ज्यादा काम कर रहा है इसका मतलब है की वो जो रोबोट है वो अभी भी इसी रेजुलेट के अंदर ही है ये बात मॉरिन और जॉन को भी समझ में आ चुकी थी कि विल के रोबोट के साथ में यहाँ जो एक और रोबोट रोबोट था वो अभी भी इसी जगह पे मौजूद है और उसी ने ही कई लोगों को मारा होगा इसका मतलब है कि वो रोबोट वापस से इन लोगों पे अटैक कर सकता है और अब इन लोगों को किसी सेफ जगह पे जाना चाहिए डॉन यहाँ पे चेक करके बताता है की कौन अभी किस जगह पे खड़ा है और इनके आस क्या चीजें हो सकती है डॉन यहाँ पे पैनी और विल को बताता है की तुम लोगो के पास में कैफेटेरिया है तो तुम दोनों वहीं पे चले जाओ पैनी और विल तो इस कैफेटेरिया के अंदर आके बैठ जाते हैं लेकिन इन्हें यहाँ पे न तो कुछ खाने पीने की चीज मिलती है और ना ही किसी से कम्युनिकेशन करने की चीज मॉरिन और जॉन भी कैफेटेरिया की तरफ ही आगे बढ़ते जा रहे थे दूसरी तरफ समैन्था को इतने सारे रस्ते पता थे एयरडक के कि वो कहीं से भी किसी के भी हैच में पहुंच सकती थी इसी कारण वो जूडी को अपने साथ में एयडक की मदद से कैफेटेरिया की तरफ लेकर जाती है लेकिन इन्हें बीच रस्ते में ही कुछ आवाज आने लगती है इसी कारण जूडी और समैन्था अपने अपने टॉर्चेस को बंद कर लेते हैं और साथ ही में रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली वॉच को भी बंद कर देते हैं ताकि कि किसी की आवाज न आए जमीन पे बैठ के जब जूडी नीचे की तरफ देखती है तो उसे दिखाई देता है की कोई इसके नीचे से लाइट वाली चीज गुजरी है कैफेटेरिया के अंदर पैनी और विल को कुछ आवाजें आने लगती है मानो की कोई उनकी तरफ आगे बढ़ता ही जा रहा है इसी कारण वो मॉरिन और जॉन को कहते हैं मॉरिन और जॉन यहाँ पे डॉन वेस्ट को कहते हैं की बच्चों को देखो कि कैफेटेरिया की तरफ क्या आ रहा है लेकिन डॉन को कुछ भी नहीं दिखाई देता इतनी देर के अंदर आवाज बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है और जब पेनी और विल ऊपर की तरफ देखते हैं तो इन्हें घोड़ा मिलता है रेजुलट के अंदर एक जिंदा घोड़ा भी है लेकिन तभी यहाँ पे आसपास की सारी लाइट्स चली जाती है जिसके बाद अब हम स्मिथ को देखते हैं कि स्मिथ अब खुद की आइडेंटिटी को पूरा करने के लिए फर्स्ट सीजन के अंदर जो रियल डॉक्टर स्मिथ था उसके हाथ में लगी हुई चिप को निकालने के लिए वो एक ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पे बॉडीज को रखा हुआ था अभी तक भी डॉक्टर स्मिथ मरे नहीं थे और उनको उनके इलाज के लिए किसी जगह पे रखा गया था स्मिथ वहीं पे जाके उस चिप को निकाल के खुद के हाथ में डाल लेती है यानी कि स्मिथ खुद की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी इसी के साथ स्मिथ का फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जून के साथ में उसकी बहन जैसिका का हैरिस थी और साथ ही में इनकी मॉम भी थी जून के पास काफी सारे पैसे आ गए थे और जैसिका का हैरिस को इसका कारण पता चल गया था एक फाइनेंसर जो की लोगो के पैसे इन्वेस्ट करवाती थी जून ने उसकी आइडेंटिटी ले ली और उसके बाद में जो भी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे वो सारे जून के अकाउंट में आ रहे थे इसी से वो ऐश कर रही थी यहाँ से हमें पता चलता है की जून खुद के मतलब के लिए किसी की भी आइडेंटिटी कभी भी चुरा सकती है दूसरी तरफ रेजुलेट के अंदर हर जगह लाइट्स ऑफ हो गई थी और एक बार फिर से पैनी और विल को कुछ आवाजें आने लगी वो घोड़ा भी यहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा मानो कि उसे कुछ डेंजर फील हो रहा है विल यहाँ पे पैनी को कहता है कि तुम तो बचपन के अंदर ग्रैंडमा के घर पे रही हुई हो और वहाँ पे हॉर्सेस थे प्लीज इसे चुप कराओ डॉन भी यहाँ पे देखने की कोशिश करता है की आखिर इनके आस पास है क्या चीज स्मिथ भी समयथा की मदद से कई आगे तक पहुंच चुकी थी समयथा यहाँ पे अपनी फैमिली के बारे में भी बताती है कि कैसे उसके फादर वापस नहीं लौटे और उसके मॉम भी अब यहाँ पर नहीं है साथ ही में यहाँ पे दो रोबोट लड़ रहे थे स्मिथ अब जाके उन सारी रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर देती है जो की उस दिन की थी जब उसने एक आदमी को स्पेस शिप ऐसी गिरा दिया था और उसे पुलिस वाले पकड़ के ले आए थे उसके साथ में इंटेरोगेशन किया जा रहा था इन सारी क्लिप्स को स्मिथ ने डिलीट कर दिया था दूसरी तरफ डॉन वेस्ट यहाँ से देख के बताता है कि डाइनिंग हॉल की तरफ कोई चीज बढ़ती हुई आ रही है जिसके अंदर लाइट भी है और अब इन सबको पता चल गया था कि ये रोबोट ही है और वो भी बुरा वाला रोबोट जो कि डाइनिंग हॉल की तरफ आता जा रहा है पैनिक तैसे करके उस को चुप भी कराती है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ही टाइम के अंदर वो रोबोट डाइनिंग हॉल तक पहुंच गया था डॉन यहाँ पे मोरिना और जॉन को भी बताता है की वहाँ एक रोबोट है जो की इन बच्चों की तरफ बढ़ता जा रहा है और तभी एकदम से वहाँ गाने की आवाज आती है डॉन बाहर खड़ा होकर जोर जोर से गाना गाने लगता है जिससे उस रोबोट का ध्यान भटक जाता है और रोबोट अपना डायरेक्शन चेंज करके दूसरी तरफ जाने लगता है और अब यहाँ से मोरिनो जॉन को भागना था ये काफी स्पीड से भागते हैं क्योंकि इनके पीछे रोबोट था डॉन बताता है कि बच्चे सेफ हैं क्योंकि कैफेटेरिया से तो रोबोट चला गया है इतनी ही देर के अंदर मोरिन और जून एक कमरे के अंदर पहुँचते हैं एक ऐसा हैच जिसके अंदर लगता है की शायद मोरिन और जून फंसने वाले है रोबोट आवाज को सुनते हुए पहुँच जाता है लेकिन ये सब कुछ एक ट्रैप था जॉन ने अपने हाथ की वॉच को गिरा दिया था और उसी आवाज को सुनते हुए रोबोट इस जगह तक पहुँच गया जैसे ही रोबोट पीछे मुड़ता है तो जॉन और मोरिन उस दरवाजे को बंद कर देते हैं इसका मतलब है कि रोबोट को एक दरवाजे के अंदर बंद कर दिया गया है और अब सारे के सारे लोग सेफ हैं। स्मिथ जब यहाँ से भाग रही थी तो उसे कुछ आवाज आती है जहाँ से जूडी और समैंता बाहर निकलते हैं जूडी यहाँ पे समयता के बारे में स्मिथ को बताती है कि कैसे ये बच्ची इस पूरे पे अकेली मिली है और इसके पेरेंट्स भी यहाँ पे नहीं है जूडी जब समा को कहती है की अपने फैमिली वालों की पिक्चर अपने साथ रखो और यही पिक्चर जब देखती है तो उसे याद आता है की उसने समय के फादर को ही इस जुपिटर से बाहर फेंका था यानी कि स्मिथ ने खुद के मतलब के लिए कितनी बड़ी गलती कर दी की एक छोटी सी बच्ची के फादर को बाहर फेंक दिया स्मिथ को इस बात का बुरा लग ही रहा था कि इतनी देर में रॉबिनसन फैमिली एक साथ में हो जाती है ये सारे लोग वापस से एक बार मिलते हैं और विल को पता चलता है कि रोबोट यहीं पे थे जूडी आके बताती है कि तुम्हारे रोबोट ने यानी कि अच्छे रोबोट ने रेजुलेट में रहने वाले सारे लोगों को बाहर निकलने में मदद करी थी और बुरा वाला रोबोट यहाँ पे लोगों को मारता जा रहा था इसका मतलब है की अब विल का रोबोट भी यही कहीं हो सकता है एक बार फिर से विल के पास होप आ जाती है और तभी लोगों की रेडियो फ्रिक्वेंसी में एक और जुपिटर आता है जुपिटर का जब दरवाजा खुलता है तो पहले तो डर लगता है की कहीं ये एलियन शिप तो नहीं है लेकिन तब इस जुपिटर के अंदर से बैन एडलर निकल के आता है जो कि इस पूरे जुपिटर मिशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था खासकर इंजन फंक्शन में सारे लोग एक दूसरे से आके मिलते हैं जहाँ पे बैन विल को कहता है कि तुम विल रॉबिन्सन हो राइट तुम्हारे किस्से अभी तक भी हम सुन रहे हैं वो लोग जो जिंदा बच गए हैं और रेजुलट से जिन्हें शिफ्ट कर दिया गया है वो अभी तक भी तुम्हारे और रोबोट की कहानियाँ सुनाते हैं और मैं भी ये सारी कहानियाँ सुनना चाहता हूँ तब मोरिन पूछती है की लोग आखिर कहाँ पर गए हैं तब यहाँ पे बैन एडलर बताता है की यहाँ पे फिर से एक बार रोबोट का हमला हुआ था एंड टाइम पे हम लोगो को करना पड़ा सारे लोगों को जुपिटर लेके पास के प्लेनेट में शिफ्ट किया गया सारे लोग अभी वहीं पे रह रहे हैं और जैसे ही तुम लोगों का जुपिटर रेजोल्यूट से कनेक्ट हुआ तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई और हम तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे पहुँचे है मोरिन और जॉन बैन एडलर को बताते हैं की उन लोगो ने रोबोट को कैद कर लिया है और वो दरवाजे के पीछे है इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यही पे खत्म हो जाता है तो आप सभी लोगो को यह एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में तब तक के लिए thank you